कैलाश विजयवर्गीय पूर्व मंत्री और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक जयभान सिंह पवैया के घर पहुंचे। उनका यह दौरा अचानक से तय किया गया था। बता दें कि वो पवैया के घर पर उनके पिताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच लगभग 35 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में मध्य प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है। हालांकि विजयवर्गीय ने कहा कि वो पवैया जी के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे, लेकिन सियासी बातों को लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली और पवैया के घर से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हमारे बड़े पारिवारिक संबंध पुराने और पिताजी के निधन का समाचार मिला था, तब से ही मैं आने का कोशिश कर रहा था। जयभान सिंह जी पवैया पार्टी का एक स्तंभ है ग्वालियर चंबल संभाग के, और एक तरीके से मेरा उनका बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है। उसी रिश्ते के अंतर्गत उनसे आज मिल रहे हैं। आज मेरे पूज्य पिताश्री के जाने का समाचार पाकर वो दिल्ली से परिवार के बीच में आए हैं और उन्होंने हमारे दुख को बांटा है।